हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं यहां पर सिरसी रोड के ऊपर यहां पर आया हुआ हूं आपको एक मकान दिखाने के लिए। आप सामने देख रहे हैं 72 वर्ग गज के रो हाउसेज सेमी डुप्लेक्स हैं, जिनकी अगर मेजरमेंट की बात करूं तो 17x38 है और बिल्टअप अगर देखें तो 971 स्क्वायर फीट में है ये, जो कि केडिया द कोठी के पास में ये सिरसी रोड पे है। और अगर मैं डिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो सिरसी रोड, जो सिरसी रोड मेरे राइट हैंड साइड में है, वो यहां से अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर पड़ेगा। वहीं पे अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कालबार रोड, जो कि यहां से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। वहीं पे अगर हम रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। वहीं पे अगर मैं झोटवाड़ा या वैशाली की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी मैं लेकर चलता हूं आपको, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें, पूरी डिटेल मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं, आप देख सकते हैं ये है जो आपकी मकान है, जो सेमी डुप्लेक्स हाउस है। वहीं पे आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन, सारे रो हाउसेज है और रेडी टू पजेशन के अंदर है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो रोड देख रहे हैं, जो ब्लॉक से बना करके दी हुई है, यहीं पे ये चैम्बर जो आप देख रहे हैं ये है, सीवरेज कनेक्ट है। वहीं पे अगर पानी की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी है, जो बोरिंग किया हुआ है उससे यहाँ पानी की सप्लाई है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है। और सोसाइटी पट्टे के अंदर ये मकान, सोसाइटी पट्टे में ये मकान है और लोनेबल है। तो अभी चलते हैं हम सामने, आप देख सकते हैं ये है रैंप, और इसी रैंप के सामने आप देख सकते हैं ये, अगर इन गेट्स की बात करें तो आयरन के गेट है, जो कि शानदार डिज़ाइन के अंदर बने हुए हैं। वहीं पर अगर आप देखें कि हम अंदर, जैसे हमने एंटर किया तो एक पार्किंग है जो कि एक 4 व्हीलर के लिए एनएफ है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये है पानी का टैंक, पानी का टैंक है जो कि 5000 लीटर कैपेसिटी का है। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और अगर इस तरफ सामने की तरफ बात करें हम तो 4 फीट की ये बैल्कनी है, जो कि फ्रंट साइड का जो रूम है इसके लिए है। तो अभी हम चलते हैं ये सामने की मेन एंट्रेंस के अंदर, और आप देख सकते हैं 17x38 के अंदर शानदार डिजाइन किया हुआ ये मकान है। और आप देख सकते हैं ये बाहर से जीना है, स्टील की रेलिंग, ग्रेनाइट का जीना। इसी के साथ में अगर हमने, जैसे ही हमने एंट्री की, एंट्री करते ही आप फर्स्ट के अंदर देख सकते हैं ये है हॉल, डाइनिंग हॉल है, जो कि स्क्वायर के अंदर है, बहुत ही शानदार है। और अगर ऊपर की तरफ देखें हम तो फॉल सीलिंग दी हुई है, और अगर वॉल्स की बात करें तो प्रीमियम कलर किया हुआ है। और इसी के साथ में आप नीचे देख सकते हैं विट्रीफाइड टाइल्स है, जो कि 2x2 स्क्वायर के अंदर दी हुई है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉश बेसिन, जो कि वॉश बेसिन दिया हुआ है। और इस मकान की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट फेसिंग मकान है, वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो वास्तु के सेकंड ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं ये है किचन, मॉड्यूलर किचन, आप देख सकते हैं पूरा फर्नीचर वगैरह लगाया हुआ है। वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है, और ये मॉड्यूलर के अंदर पूरा फर्नीचर वगैरह सब फिटेड है। ऊपर आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं चिमनी के लिए एक स्क्वायर, यहाँ पर आपको चिमनी के लिए होल करके दिया जाएगा। वहीं पे आप देख सकते हैं ये है सैनिटरी फिटिंग, आपको सैनिटरी पूरी फिटिंग करके दी गई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं 10x12 साइज का ये बेडरूम है। और ऊपर देखें तो आप फॉल सीलिंग वगैरह सब दी हुई है। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वार्डरोब, एक वार्डरोब जो कि पूरा कंप्लीट बना करके आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं अटैच्ड गैलरी है, जो कि वेंटिलेशन के लिए दी हुई है। और आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए ऊपर डक छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये किचन का विंडो है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं इस मास्टर बेडरूम में अटैच्ड बाथरूम है, जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है, ये कमोड वगैरह सब लगा करके आपको दिया हुआ है। इसी के साथ में ये था नीचे का, अभी मैं आपको लेकर चलता हूं वापस हॉल के अंदर। आप देख सकते हैं हॉल के अंदर ये है कॉमन टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट है,
सैनिटरी वगैरह सब फिटिंग करके दिया हुआ है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं सामने फ्रंट की साइड में ये है फ्रंट साइड का बेडरूम, 10x10 साइज का ये बेडरूम है। और एक वॉल के ऊपर बात करें हम तो रॉयल प्ले में डिजाइन दी हुई है, और ऊपर अगर बात करें तो फॉल सीलिंग दी हुई है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं इसकी एंट्री, ये सामने की तरफ देख सकते हैं ये बाहर से एंट्री भी है और अटैच्ड बालकनी है ये। और आसपास का लोकेशन देख सकते हैं, रेजिडेंशियल रिहायशी इलाका है ये। ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी मैं लेकर चलता हूं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आपने दोस्तों ये मकान आपने 17x38 जो कि 72 वर्ग गज का था, और अगर बिल्टअप की बात करें हम तो 971 स्क्वायर फीट बिल्टअप है ये, और लोनेबल प्रॉपर्टी है ये, सोसाइटी पट्टे में है, पानी बिजली सीवरेज सब कनेक्ट है। और इसी के साथ में अगर कीमत की बात करें तो मात्र 24.5 लाख रुपए के अंदर ये मकान है जो कि आपका हो सकता है। अभी मैं लेकर चलता हूँ, अगर आपको पूरी जानकारी और डिटेल चाहिए या अगर ये प्रॉपर्टी आपको पसंद है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम ऊपर। ये आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट का जीना है, और जीने के अंदर आप देख सकते हैं ये टी फ्रेम दिया हुआ है जो कि आपको वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। अभी जैसे ही हमने छत के ऊपर आए हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइल्स लगाई हुई है जो कि 1x1 की टाइल्स दी हुई है, पूरी फ्लोरिंग की हुई है टाइल्स की। और ऊपर जाने के लिए आप देख सकते हैं ये स्टेयर दी हुई है जिससे ऊपर पानी की जो टंकियाँ हैं उनके ऊपर आप रीच कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो सामने पूरे रो हाउसेज है ये, और यहाँ अभी आप देख सकते हैं एक ऊपर जो ये वेस्टर्न टॉयलेट है, और ये एक बेडरूम है जो कि फ्रंट बेडरूम था वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं एक बेडरूम है, रॉयल प्ले में डिज़ाइन है, विट्रीफाइड टाइल्स है, प्रीमियम कलर किया हुआ है और अटैच्ड बालकनी है। ये आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग है और 4x12 की ये बालकनी है। और सामने की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो ये कॉलोनी है, और इसी के साथ में अगर आप ये सामने थोड़ा डिस्टेंस पे जूम करके दिखाइए, सामने की तरफ देख सकते हैं आप जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ये है सिरसी रोड की, जो कि यहाँ से सिरसी रोड अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर पे है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।